नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ लाइब्रेरी के फील्ड में कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये एमपी की वैकेंसी है। द इंस्टीट्यूट इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी सेमी प्रोफेशनल ग्रेड 2, जिसमें आपका नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 2 है। यहाँ जो आपको पे लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा एज पर 7th पे कमीशन, मैक्सिमम जो एज है फॉर्म को भरने की वो 27 ईयर्स तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर 18 साल है और मैक्सिमम 27 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो सर्टिफिकेट होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, 12th पास होने चाहिए आप, और कैंडिडेट विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन गवर्नमेंट और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्रीफर्ड। मैंडेटरी नहीं है कि 2 साल का एक्सपीरियंस हो ही, बट अगर आप किसी भी गवर्नमेंट संस्थान या फिर किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट स्किल विल बी प्रेफर्ड। यानी कि अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट की स्किल्स है तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट, ये जो लिंक दिया है वहां पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। अगली जो हमारी वैकेंसी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर की ये वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हैं डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी है। पेमेंट जो यहाँ पर मिलेगा आपको, लेवल 12 का पेमेंट है 89,800 से लेकर के 2,11,500 है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी कई पोस्ट हैं, अगर आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं तो एक साथ दो पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू लिंक प्रोवाइडेड एट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट www.iiti.ac.in। इस पर जाकर के आपको अप्लाई करनी है। 27/1/23 यानी कि 27 जनवरी आखिरी तिथि है फॉर्म को भरने की। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है डिप्टी लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए? तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, 5 साल का एक्सपीरियंस कहा जा रहा है। डिजायरेबल में है अगर आप पीएचडी या फिर आपने एमफिल किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है। अपर एज लिमिट यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 50 ईयर्स रखा गया है। आगे देखते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में। जनरल इंस्ट्रक्शन है, इट इज मैंडेटरी टू फिल द एप्लीकेशन इन द ऑनलाइन पोर्टल, टेक द प्रिंट आउट एंड सबमिट द हार्ड कॉपी थ्रू पोस्टल सर्विसेज। यानी कि जो आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन उसकी हार्ड कॉपी को आपको इंस्टीट्यूट भेजनी है। नीचे पता दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगी किस जगह पर भेजनी है। 27/1/23 जो है फॉर्म को भरने की आखिरी तिथि है, एंड रिसीट ऑफ साइंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन स्टिल 3 फरवरी तक आपको इंस्टीट्यूट जो हार्ड कॉपी को भेजने की आखिरी तिथि है। फॉर्म भरने की मैं फिर से बता देती हूँ, फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 27 जनवरी है। हार्ड कॉपी विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भेजने की जो तिथि है वो 3 फरवरी है। एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट बीन कंसिडर्ड अर्लियर अगेंस्ट द प्रीवियस एडवर्टीजमेंट नीड टू अप्लाई फ्रेश। एप्लीकेशन फी की यहाँ पर बात करें तो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी, SC/ST, एक्स सर्विसमैन, रेगुलर इम्प्लॉयज ऑफ IIT इंदौर एंड फीमेल एप्लीकेंट्स, नो फी, ठीक है। यहाँ पर इन कैटेगरीज के लिए कोई भी फी जो है एप्लीकेबल नहीं है। ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड अदर्स के लिए यहाँ पर, सॉरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 100 रुपए लगेंगे, और उसके अलावा जो भी कैंडिडेट है उनको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं।
एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू फिल देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल आईडी डालेंगे वो एक्टिव डालें, क्योंकि आपको इंस्टीट्यूट की ओर से कोई भी जानकारी होगी वो मेल के थ्रू दी जाएगी। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच अ ड्यूली साइंड लिस्ट ऑफ इंक्लोजर विद द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड इट विद द हार्ड कॉपी के साथ। आपको अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भेजना है, किस जगह भेजना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। एक चीज और यहाँ पर है, ओनली शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट ओनली विल बी इन्फॉर्म्ड वाया ईमेल के थ्रू, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन बाई विजिटिंग द वेबसाइट। ये वेबसाइट पर आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ऑल सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट आर टू बी अपलोडेड इन द पीडीएफ फाइल अलॉन्ग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इट इज मैंडेटरी टू फिल द एप्लीकेशन ऑनलाइन इन द लिंक प्रोवाइडेड अबव, जो दिया हुआ है इस लिंक के थ्रू, और प्रिंट आउट आपको निकाल लेनी है। एंड सबमिट द हार्ड कॉपी थ्रू पोस्टल सर्विसेज बिफोर डेट मेंशन इन पैरा वन, मैंने जो आपको बता दिया ऊपर, ठीक है। इस पते पर भेजनी है हार्ड कॉपी विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अप्लाई करने की आखिरी तिथि 27 जनवरी और पोस्टल के थ्रू भेजने के लिए 3 फरवरी। द एप्लीकेंट शुड रिटेन अ कॉपी ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म द फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको अपने पास रखनी है एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी। तो यही थी इस नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर। अगली जो वैकेंसी है वो है हमारी संबलपुर, ओडिशा की ये वैकेंसी है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ लाइब्रेरियन के लिए देखते हैं, 13 नंबर यहाँ पर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए है। 6 का पेमेंट है यहाँ पर 35,400 से लेकर के 1,12,400। उसके अलावा क्या कुछ है नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखा देती हूँ, हाईलाइट करके रखी हूँ पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बहुत काफी लंबी नोटिफिकेशन है यहाँ पर। देखिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी साइंस विथ 55% मार्क्स। मैक्सिमम जो एज है यहाँ पर वो 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेशन रहेगा 2 ईयर्स का, 2 साल के लिए आपको प्रोबेशन पर रखा जाएगा इन केस ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट, ठीक है। पे स्केल यहाँ पर 35,400 से 1,12,400 है। लेवल 6 का यहाँ पर पोजीशन है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, तो रिटेन टेस्ट होगा आपका, एमसीक्यू उसमें क्वेश्चंस होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट 60 एंड अबव मार्क्स, ठीक है। क्वालिफाइंग जो है उनको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, तो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स से होंगे 15 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश का होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इन एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से आपका 30 क्वेश्चन होगा 30 मार्क्स का। प्रोफेशन रिलेटेड क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, यानी कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। यहाँ पर टोटल जो मार्क्स है 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। यहाँ पर स्किल टेस्ट की जानकारी दी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स दिया हुआ है, क्या
कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीड टू सेंड देयर कंप्लीटली फिल्ड साइंड एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स एंड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपका हार्ड कॉपी होगा उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको इस पते पर भेजना है इंस्टीट्यूट का। ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ये पिन कोड है, इस पते पर ही हमको या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजनी है इन सील्ड एनवेलप में। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जरूर मेंशन करें उस एनवेलप पर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन। लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 17 जनवरी 2023। इन एडिशनल टू द सेम द पीडीएफ वर्जन ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म टू बी सेंड। ये ईमेल आईडी पर सेम कहा जा रहा है कि जो आप हार्ड कॉपी भेजेंगे इंस्टीट्यूट उसको आपको पीडीएफ फॉर्म में इस पते पर इस ईमेल आईडी पर भेजनी है, ठीक है, वो भी 17 से पहले। तो इस नोटिफिकेशन में मुझे नहीं लगता है कि और कुछ है जो बताने वाली बातें हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे तीनों नोटिफिकेशन में मैंने यहाँ डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।